तो ये क्या क्या ऑर्डर किया जरा बताएगा, ये खुद देखिए, इसका सामान तुरंत आ गया। ये सब जो सामान मंगाया ना, ये ब्रेड बिस्किट ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, मैं तनुजा, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं कि आप बताऊं, आज बेटे पर मैं बहुत गुस्सा हूँ। आप पूछोगे कि क्यों गुस्सा है, तो गुस्सा होने वाली बात है ही, क्यों ना गुस्सा हूँ बताइए। मेरे पास दूध नहीं, आप बोलोगे रोज रोज तुम्हारे पास दूध ही नहीं रहता है, तो दोस्तों दूध तो रोज लेने की चीज़ है ना। मैं बोली बेटे को कि जा दूध लेके ऑर्डर, ये तो आजकल क्या करता है, ऑर्डर करता है, मोबाइल से ऑर्डर करता है। दूध ऑर्डर किया तो दूध ऑर्डर किया दूध लेकिन अभी नहीं आया है, बोला कि एक घंटा में आएगा। लेकिन ये महाशय का क्या क्या आया है, क्यों दूध नहीं आया अभी, भूल गया ऑर्डर करना। अच्छा देखिए दोस्तों, ये दूध ही ऑर्डर नहीं किया, इसको ऑर्डर क्या करना था कर दिया क्या, और दूध भूल गया, तो ये अभी दूध ऑर्डर किया तो एक घंटा तो लगेगा ही ना। तो ये क्या क्या ऑर्डर किया जरा बताएगा, ये खुद देखिए, इसका सामान तुरंत आ गया। ये सब जो सामान मंगाया ना, ये ब्रेड बिस्किट ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ना ये तुरंत आ गया, लेकिन मेरा दूध नहीं आया है, क्योंकि ये दिल से ऑर्डर किया ही नहीं तो आएगा कैसे। सबसे पहला जो काम था इसको करना चाहिए, नहीं क्या करोगे, सुनता नहीं है ना। अब बोलेगा मम्मी आपकी वजह से, आपकी वजह से कोई भी काम करो तो आपकी, देख रहे हो, कह रहा मम्मी आप एक ही बात भाषण देना चालू कर दे, देना ही पड़ेगा ना, सुनता नहीं है बदतम। अभी इसको जाने का होगा कॉलेज, और बाथरूम में भागा, इसको जाना होगा कॉलेज, कहेगा मम्मी आपकी वजह से लेट हो गया, आपकी वजह से। हर काम करेगा समय पर, उठेगा नहीं, अब बोलेगा मेरे वजह से, मेरे वजह से। क्या दुनिया सस्ता का किसी पर इल्जाम लगा देने का है ना, अपना मुंह है किसी से बोल देने का। चलिए दोस्तों, चीकू पीयू से मिलिए, चीकू पीयू को खाना चाहिए, भूख लगी है। देखिए इसका भी खाना देना है, इसको दो खाना ये दे रहा है आज, दो इसको खाना दे दिया ना। इसका खाना ही यही है धनिया, इसको बहुत टेस्ट से खाता है ये लोग, तो इसे बहुत जोर से लगी है भूख, इंतजार कर रहा है कि भैया आएगा देने के लिए, तो भैया आ गया देने के लिए। इसको दे दो अच्छा से, और इसका पानी भी बदल देना, पानी भी गंदा हो चुका है। ये देखो ये क्या करता है, उसी में पोटी कर देता है, पता है ना, ये लोग का काम है इसी से पीना और इसी में हगना। चलो काम करना पड़ता है, अभी कुएं बर्तन है उसको मैं धोऊंगी, इसके बाद ही कोई पोछा भी मारना है। ये डब्बा खोल रहे, खुल नहीं रहा है तब से, आ गया ऑर्डर। लो क्या ऑर्डर आ गया, अच्छा दूध, अच्छा दूध अभी लेके आया है, हाँ ये अभी कम से कम एक घंटे के बाद लाया, इसका सामान 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर गया, मेरा सामान आधा घंटा लगाया। हाँ चलो रखो, ये दोस्तों खिड़की इसलिए बंद करना पड़ता है ना, क्या है ना कबूतर आ जाता है, देख लो इधर से कबूतर आ जाएगा, और कबूतर आता है तो सारा बर्तन गिराने लगता है, सारा ये सब बर्तन है वो ऐसे आएगा कि इधर से आके पूरा बर्तन, इसलिए मुझे बंद करना पड़ता है। चलो रखो। चलिए दोस्तों, घर पे मैं पूजा कर चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मंदिर गौशाला। चलिए आप लोग को भी मैं ले जाऊंगी, मंदिर का दर्शन कराऊंगी, आप बोलो ना बोलो मैं तो लेके जाऊंगी आप लोग को दर्शन कराने। तो चलिए मैं चलती हूँ, धूप भी कड़क होने वाली है, होने वाली क्या हो ही चुकी है, फिर भी मैं जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोल, नमः शिवाय। भोलेनाथ आप लोग भी दर्शन कीजिए दोस्तों, भोलेनाथ का कर देते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल, नमः शिवाय। चलिए गणपति बप्पा का भी दर्शन आप लोग कीजिए, सभी भगवान का दर्शन घर बैठे दोस्तों आप लोग कीजिए। कहते हैं ना दोस्तों, इंसान से बिल्कुल मांगना छोड़ दीजिए, जब ये बैठे हैं ना, इंसान से मांगना बिल्कुल नहीं, इंसान कोई आपको देगा नहीं, सिर्फ दुख आप सुनाइए तो दुख का मजाक बनेगा। इसलिए भगवान जब ये बैठे हैं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं, देने वाले ही ये हैं।
दोस्तों मंदिर का दर्शन भी हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ गौशाला, आप लोग भी चलिए गौशाला का दर्शन करते हैं। बस दुनिया में कुछ नहीं है, यही सब है, धर्म कीजिए, नेकी करो, बस यही है और कुछ नहीं। किसी का चुगली मत कीजिए, किसी का शिकायत मत कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। चलिए दोस्तों गौशाला का दर्शन करो। चलिए दोस्तों अभी गौशाला जा रही हूँ, इसके बाद गौशाला का दर्शन करके जाऊँगी घर पे। क्या बताऊँ दोस्तों, कभी कभी ना इतना दुख होता है ना, लगता है कि क्या करूँ, किसको बोलूँ, किसको सुनाऊँ, एकदम मन भावुक हो जाता है। इसको देखिए, ये इसको चलिए गौ माता का दर्शन कीजिए। गौ माता, चलिए दोस्तों गौ माता का भी दर्शन हो गया, अब मैं जा रही हूँ घर पे। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, नहीं तो सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।